लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा और आगजनी में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 4 किसान और 4 अन्य लोग शामिल हैं। 4 अन्य लोगों में 2 बीजेपी कार्यकर्ता और 2 ड्राइवर हैं। इनके अलावा 12 से 15 लोग घायल भी हैं। इस घटना में साधना न्यूज चैनल के संवाददाता रतन कश्यप की भी कवरेज करने के दौरान मौत हो गई। मारे गए किसानों के शवों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया है। दरअसल किसानों ने 4 मांगे प्रशासन के आगे रखी थी, जिनमें से कुछ मांगों पर सहमति बनी है। इनमें मृतक किसानों के आश्रितों को नौकरी, 8 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी, मृतक के परिजनों को 45-45 लाख रुपए और घायलों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और घटना की न्यायिक जांच पर समझौता हुआ है। इस घटना पर कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासत भी जारी है। इस घटना पर मीडिया ने भी डिबेट की। मीडिया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मीडिया ही जरिया है जिससे देश की जनता को घटना और इसके पीछे के सच की जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में बात होती मीडिया की डिबेट और रियल मीडिया द्वारा दी जानकारी पर करेंगे। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की डिबेट की और देखते हैं वह सवाल किस पर उठा रहे हैं, सरकार पर या फिर किसानों पर। क्या लखीमपुर में सियासी चाल सुलह समझौते वाली सोच पर भारी पड़ रही? क्योंकि कल प्रशासन और किसानों के बीच में समझौता हो गया था, लेकिन आज फिर लखीमपुर कांड में वीडियो वॉर शुरू हो गया। जन चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ने एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से रौंदा गया, लेकिन इस वीडियो पर कई सवाल भी उठ रहे हैं जिनका आज हम संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन सियासत का चौतरफा खेल जारी है। प्रियंका वाड्रा पूछ रही है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या लखीमपुर का मामला सियासी प्रयोग में फंसता जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब देखते हैं इंडिया टीवी के एंकर रजत शर्मा के शो को और देखते हैं वह इस घटना पर सरकार से सवाल कर रहे हैं या नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस मामले में किसानों की संवेदना को समझा, पुलिस ने संयम से काम लिया, किसानों ने मंत्री के बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की, वो हो गया। जो जो बात किसानों ने अपनी शिकायत में लिखी थी वही बात एफआईआर बना दी गई, वही कुछ एफआईआर में लिखा है। जांच के लिए एसआईटी बनाने में सरकार ने देर नहीं लगाई, यहां तक कि पोस्टमार्टम दोबारा कराने की मांग भी मान ली गई। हेलीकॉप्टर से डॉक्टर्स बुलाए गए। पुलिस ने यह भी मान लिया कि अब दोबारा पोस्टमार्टम हो तो वहां किसानों का एक प्रतिनिधि रहे और वो भी इस पूरे प्रोसेस को वीडियो पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन सारी बातों से लगता है कि ना तो सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है और ना ही कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन विरोधी दलों की मंशा समझी जा सकती है। चुनाव का मौका है, सारे विरोधी दल योगी को घेरना चाहते हैं, उनकी कोशिश होगी इस मामले को गरमाए रखा जाए, इसलिए सब एक से एक बढ़कर बयान दे रहे हैं और एक से एक बढ़कर एक्शन दिखा रहे हैं। जी न्यूज पर भी इस मुद्दे पर डिबेट देखने को मिली। देखते हैं जी न्यूज की डिबेट के सवाल किस पर उठा रहे हैं। ये तमाम लोग यूं तो अपने आप को किसान कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इन्हें किसान कहना बेमानी होगी। ये किसान हो ही नहीं सकते और देश भर के जितने भी किसान इस समय हमें देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये नकली किसान हैं। लखीमपुर की लड़ाई अब राजनीतिक पर्यटन में बदल चुकी है। हर बार की तरह हर नेता बस किसी भी तरह लखीमपुर खीरी पहुंचकर वहां से अपने लिए वोटों की फसल काटना चाहता है। इस समय हर नेता के सामने चुनौती ये है कि किसी भी तरह लखीमपुर खीरी पहुंच जाए। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे पहले इसमें वहां उन्होंने लीड ले ली, वो सबसे पहले पहुंचना चाहती थी और उन्हें सबसे पहले ये समझ में आ गया कि ये बड़ी खबर है और यहाँ पर राजनीति की बहुत गुंजाइश है, इसलिए वो सबसे पहले पहुंच गई। कल रात से वो वहां पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और उनके बहुत सारे नाटकीय वीडियो आज ट्रेंड कर रहे हैं जिनमें से एक ही है। इसके अलावा बाकी न्यूज चैनलों की डिबेट भी देख ही लेते हैं। उनके सवाल सरकार से हो रहे हैं या फिर किसानों को ही दोषी बताया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष को लखीमपुरी खीरी में मौका दिख रहा है? मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है, लेकिन यही सच्चाई है कि सियासत के लिए मौत भी एक मौका होती है। किसानों की मौत में मौका मौका, और लोग तस्वीरें देख रहे हैं कि वो पीट पीट कर मार रहे हैं आदमियों को। तमाम नेता हर पार्टी का, जो विपक्षी या विरोधी दल है सरकार का, किसी भी कीमत पर लखीमपुरी खीरी जो है वो पहुंच जाना चाहता था, लेकिन ये
हो ना सका। ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं वहां पर प्रियंका गांधी, और इसकी इजाजत उन्हें कतई नहीं दी जाएगी कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष चलाए। लेकिन क्या हिंसा के बाद तुरंत उसी पर जगह जाना, उसी जगह जाना आग में घी डालने जैसा नहीं है। थीमपुर या फिर सियासी पर्यटन को, ये जो 9 मौत हुई है कोई तो जिम्मेदार होगा ना सर? डंडे, लाठी, फरसा, सर मैं तो जिस किसान को जानती हूँ उसके हाथ में होता है बीज, खाद, मेहनत, नमक वाला पसीना, ये कौन से हैं सर? अब बात उस मीडिया की करते हैं जो जनता के मुद्दों की बात करता है और सरकार से अक्सर उन मुद्दों पर सवाल भी करता है। पहले बात वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की करते हैं। रवीश ने NDTV पर अपने शो क्राइम टाइम में लखीमपुर खीरी की घटना को उठाया, उसके बारे में जानकारी दी और साथ कुछ सवाल भी उठाए। पूरे वीडियो में किसान शांति से चल रहे हैं, लेकिन जीप और उसके पीछे आ रही कारों का काफिला किसानों के सड़क से हटने का इंतजार नहीं करता है। जिस रफ्तार से जीप लोगों को कुचलती चली जा रही है, उसके पीछे आ रही काले रंग की फॉर्च्यूनर कार भी अपनी स्पीड में कमी नहीं लाती। गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि किसानों ने तलवार से हमला कर दिया। इस वीडियो में और इस जगह के अन्य वीडियो में किसान तलवार लेकर नहीं चल रहे हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने दावा किया था कि उनके पास वीडियो हैं जिनमें किसान हमला करते देखे जा सकते हैं। अभी तक उन्होंने ऐसा कोई वीडियो जारी नहीं किया है। क्या मंत्री इस वीडियो के देखने के बाद अपना बयान बदलेंगे? दरअसल अजय मिश्रा कितनी बार बयान बदलेंगे? अपनी कुर्सी भी बचानी है, अपने बेटे को भी बचाना है, तब तक किसानों को कभी आतंकवादी कभी उपद्रवी बताना है। गोदी मीडिया का अखबार है ही, किसानों को उपद्रवी लिखने के लिए तैयार है ही, और करोड़ों पाठक हैं ही उसे पढ़कर सच मानने के लिए। अभिसार शर्मा ने अपने शो में विपक्ष को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा रोके जाने और हिरासत में लेने को लेकर कुछ सवाल उठाए और इस घटना पर कुछ जानकारी भी थी। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से जानना चाहता हूँ कि आपके उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। ये वीडियो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं, वो लखनऊ में आते हैं और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता। देखिए वो धरने पर बैठ गए वहां। ये एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं इस तरह से? फिर आपको किस तरह से कोई नैतिक अधिकार हो जाएगा कल को अगर आपके पार्टी के नेता दूसरे राज्यों में जाके प्रचार करेंगे या दूसरे राज्यों में किसी ज्वलंत मुद्दे को उठाएंगे? ऐसा कभी हुआ है कि जब एक मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट में रोक दिया गया है? कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो सामने उभर कर आया है जिस जगह पर प्रियंका गांधी वाड्रा रुकी हुई है, वहां पर उस जगह का मुआयना एक ड्रोन से किया जा रहा है। मतलब कहीं तो कोई लक्ष्मण रेखा होगी भाई, कि आप वो तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार करेंगे। इस घटना पर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजम ने भी जानकारी दी और कुछ वायरल वीडियोस पर बात करते हुए सत्ता सरकार से तीखे सवाल भी किए। लेकिन इस वीडियो के आने के पहले तक जो जानकारियां आपके घर तक दर्जनों चैनलों के जरिए पहुंच रही थी, उन जानकारियों के मुताबिक अजय मिश्र जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बेदाग है, उनका बेटा कहीं से कसूरवार नहीं है। जो भी कसूर था वो किसानों का था, क्योंकि किसान लाठी डंडों से लैस थे, क्योंकि किसान गुंडे थे, क्योंकि किसान कायदे कानून में यकीन नहीं रखते। कि आखिर क्या वजह है कि सब कुछ खुलेआम सरेआम कोई मंत्री पुत्र करता है? मंत्री जो मोदी की सरकार में गृह राज्य मंत्री है, किसानों को 2 मिनट में सुधारने और सबक सिखाने का ऐलान करता है किसी मंच से, किसी जनसभा से, जनसभा में, और उसके बाद भी मोदी परस्त मीडिया, सरकार भक्त मीडिया किसानों को ही जिम्मेदार, कातिल और न जाने क्या क्या साबित करने में जुट जाती है। अगर ये वीडियो नहीं आया होता तो आज यही साबित करने की कोशिश में वो कामयाब होते, आप तक ये खबर पहुंचाने और आपके जहन में पैवस्त करने में कामयाब होते कि जिम्मेदार तो दरअसल किसान थे। आपने दोनों तरफ की मीडिया को सुना, कौन इस मुद्दे पर क्या जानकारी दे रहा है और क्या सवाल उठा रहा है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और बाकी वीडियोस देखने के लिए बने रहे पंजाब टुडे के साथ। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.